एक औषधि के बारे में भागवत जी कहते हैं और भी महत्व की है, दालचीनी। दालचीनी के बारे में भागवत जी कह रहे हैं कि वायु के जितने भी प्रकोप हैं, जैसे दमा, अस्थमा, ये वायु की बीमारियां, अस्थमा, दमा, वात की बीमारियां वायु की, तो इनको खत्म करने में या समाप्त करने में या इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दालचीनी। और दालचीनी के बारे में भागवत जी कहते हैं कि ये दमा अस्थमा इनको तो खत्म करेगा ही, वात के सब रोगों को खत्म करेगा, कफ के रोगों को भी खत्म करता है। कफ के रोग आप समझते हैं, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, मोटापा है, वजन बढ़ना, ये सब कफ के रोग हैं। तो इनमें भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे, उतना ही इस पर भी है कफ की। तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। दालचीनी आप सब जानते हैं, आसानी से आपको पहचान में भी आती है। बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में। कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो छाल जैसी है वो डाल, वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है। और दालचीनी के बारे में भागवत जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड़ के साथ इसको खूब घिसिए, रगड़िए, ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड़ मिले, फिर खाइए, फिर पीछे से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अद्भुत परिणाम। और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मर्दन, मर्दन एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मर्दन माने घिसना, रगड़ना। तो वो कहते हैं कि खूब रगड़ करके, मर्दन करके शहद में ऐसे 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 5-7 मिनट, फिर चाटिए और थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए, तो आपके शरीर के कम से कम तो 50 रोग ये अकेला दालचीनी खत्म कर देगा, कम से कम 50, कफ के रोग और वात के रोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने रसोई में हैं।